अपने साथ हम लाए हैं कान्हा जी को। सो ये रहे हमारे कान्हा जी, इनको भी हम आज घुमाने के लिए लेके आए हैं। एंड ये थोड़े मायूस लग रहे हैं, आई होप कि ये खुश हो जाए आज। एंड मैं और मम्मी इतना घूमे नहीं, सो आज हम दो ही सिर्फ घूमने वाले हैं, बाकी सब तो चले गए। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर जाना है, बहुत ज्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। उसके ही लेफ्ट साइड में एक प्रसाद वितरण है, यहाँ पे जाके खा सकते हैं हम लोग। आई होप सो, मुझे नहीं पता ठीक से, बट सब खा के आ रहे ऐसा लग रहा है। सो लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलते हैं भगवान के पास। एंटर करते ही कुछ ऐसा टाइप का है, यहाँ से हमको अंदर जाना है, फिर वन ही वन होगा ऐसा मुझे लग रहा है। सो इसके अंदर से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है। के साथ रास किया था इस बार वहाँ पे 16,000 रानियों के साथ यहाँ पे रास किया था, कृष्ण जी भगवान किया थे ना। अच्छा, ये सबके साथ ये जोड़ा होगा, ऊपर गाछ का पता नहीं चलेगा दोनों का। अच्छा, गाछ का है ये, अंदर के जो गाछ है वो सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो पता नहीं चलेगा कि उसके रूट्स किस से जाते हैं। यहाँ पे हमको मिल गए उड़ीसा से अंकल और आंटी, ये आए एक महीने के लिए। एक महीने के लिए अंकल आए आप? एक महीने के लिए। अच्छा ऐसा ही है, सब्सक्राइब करो। थैंक यू अंकल। रानी का महल, रानी का महल, राधे 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 बंदर ही बंदर है सब जगह अंदर में, इसलिए ये वाला लगाए रखा है, वरना ये लोग फोन चश्मा सब ले जाते। और अब आए हैं दूसरे पड़ाव में, जिसका नाम है राधा राधे श्रृंगार घर, श्रृंगार घर रंग महल, जो यहाँ अंदर में है, दूसरा पड़ाव है ये। सब जगह ऐसे ऐसे ही लगे हैं। यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे श्रृंगार घर है। आपके नाम से श्रृंगार छा भी जाएगा, चाहे तो आपको भी मिल जाएगा। वहाँ पे क्या था? सारे के सारे श्रृंगार के, श्रृंगार खेलता है, श्रृंगार के लिए एक एक बास्केट सब लोग रखे हैं श्रृंगार का सारा सामान। वहाँ पे मैंने शायद दिखा दिया है वीडियो में, आप लोग देख लेना। ये मट्टी मैं घर लेके जाऊंगी, यहाँ की मट्टी, यहाँ की, ये मैं सबके लिए लेके जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा किसी को चाहिए तो मुझे सेम ही, मैं ये दे दूंगी सबको। जैसे फिर पता नहीं ये कौन सा ऐसे। हाँ तो आप देख सकते हैं ये वाला रूट, ऐसे सब गाछ ऐसे ही हैं, सारे गाछ ऐसे ही हैं, मतलब पता नहीं चलेगा कि रूट किसका कौन सा है, सब जुड़े हुए ऐसे। उधर में देखो, इधर में देखो, ये वाला और इसके पास वाला, ये दोनों सब गाछ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आज तक भी कोई ये निधिवन में रात को नहीं रहता है, यहाँ रात को जन जन आवाज आती है और ऐसे ही रात को रास रचते हैं, आज तक भी ऐसे ही है, ऐसे ही रहता है। और सुबह सुबह क्या दिखता है? वो महल में दातुन किया हुआ, लड्डू खाया हुआ, सब सब कुछ मिलता है जो सुबह सुबह आते हैं,
चार पाँच बजे उनको सब दिखेगा और खाली भी रहता है तब तो मंदिर। अभी ऐसे करा दिया नहीं तो हम सब पहले ये सब नहीं था, अभी करवा दिया गया ये सब। पहले खुला था ना? पहले ये सब खुला था, पहले मंदिर अंदर बैठे सब खुला था, पूरा इसको पेंट कर दिया। पहले गंदे लोग कर देते थे, अब गंदा हाँ साफ सुथरा रहता है। वन के अंदर सब गाच गाच यहाँ पे रचा है। अच्छा अच्छा नाच मम्मी, जय हो राधे। वंशी चोरी राधा रानी, यहाँ पे मम्मी क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ से हाँ यहाँ वंशी चोरी की थी राधा रानी ने, तो राधा रानी चोरी कर ली थी कृष्ण भगवान की। सीता भी साथ था और राधा तीनों है, तो कृष्ण जी का मूर्ति अपना फोटो लेके बंसी लेके खड़ी हो गई, मतलब वो कृष्ण जी बन के खड़ी हो गई। राधा अच्छा। और अपना तीनों बहन मतलब दोस्त लोग थी ना, बहुत दोस्त थी तीनों, तो उन्होंने ऐसा काम किया नहीं। मंदिर के जस्ट बाहर में यहाँ पे ऐसे शॉप्स है, सो वहाँ से हम लोग लेंगे लाडो के लिए एक टी शर्ट। भैया ने बोला था लाडो के लिए ये टी शर्ट लेने के लिए, सो ये लेते हैं। ये डन ओके, ये है फर्स्ट परचेज और इसकी प्राइस है 100 रुपये। और अब हम जा रहे हैं उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे कृष्ण जी ने गोपियों के जो वस्त्र है वो चोरी किए थे, सो वो वाला आगे जगह है। ऐसे मतलब निधि वन के जस्ट पास वाली गली जो है उसमें सीधा जाना है, सो उस तरफ में आएगा मंदिर। और वहाँ की जो है ऐसी गली है एंड वहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर का वो वाली जगह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम पहुँचे हुए हैं यमुना किनारे एंड यहाँ पे मम्मी खा रही है खीरे। मम्मी का ना पेट थोड़ा खराब हो गया, फास्टिंग वगैरह था सो उसके लिए, सो पहले कुछ पेट टूटा फिर काम दूजा। मम्मी आर यू फीलिंग ऑल राइट? बाय द वे मेरी तबीयत थोड़ी लग रही है, कल परसों से बुखार हो रखा है, सर में दर्द है एंड पूरी कमजोरी फील हो रही है। कल रात को मैंने दवाई तो खाई थी, आज सुबह भी खाई थी, बट ना टॉन्सिल्स वगैरह हो गए हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और मेरी एक आँख पूरी हेड हो गई, मतलब हाफ पार्ट ऑफ माई हेड इज ग्रीनी, मतलब सिर्फ आँख नाक और सर दिख रहा है मेरा। तो अभी यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद शायद हम लोग चले जाएंगे, बस बहुत बुखार लग रहा है। खरीद रहे लाला के मुकुट, ये कितने? 3 को 50। 3 का 50। और क्या बता रहे थे आप? भैया मेरे को आप क्या बोल रहे थे? मोदी के राज में बहुत, मोदी के राज में बहुत महंगा हो गया ये मुकुट है। पर मेला माल तो आप हो गए नहीं, पहले 10 के 3 मिलते थे, पहले 10 का 1 मिलता था, 10 के 2 भी मिलते थे। अरे बाप रे, और अभी 50 के 3 मिल रहे हैं, बहुत महंगा हो गया। मारवाड़ी दुकान में 100 का 1 मिल रहा है। बाप रे, कितने लोग लेते हैं ना? मारवाड़ी लौटते हैं ज्यादा। हाँ हम तो बस 5 रुपए 2 रुपए बचते हैं एक पीस पर। 60 रुपया में मेरे को 4 पीस। 60 के 4 दे दो भैया, बड़े क्यूट हो आप, ठीक है?
और अपने कान्हा जी की भी शॉपिंग हो गई है, उनके लिए लिए हमने 400 मुकुट 60 रुपीस में। नहीं यार, हमारी बच्ची इतनी बदमाश है कि वो तोड़ के फेंक देगी। और ये है वो घाट जहाँ पे कृष्ण जी ने चोरी किए थे कपड़े। सो ये है पीछे, सब कोई बोटिंग करता है। बोटिंग की प्राइसिंग है 120 रुपीज़। मेरे को एक अच्छी फ़ोटो चाहिए थी जो मम्मी से नहीं हो पाए थे, नीचे है, तो मैंने कैमरे वाले को बोला उसकी 20 रुपीज़ लेगा। आई होप कि अच्छी फ़ोटो वो दे दें। फ़ोन में तो नहीं, कम से कम एक वैसे ऐसे मेमोरी रहेगा। सो ये है वो मेरी फ़ोटो। चलो कोई नहीं, जैसी भी है ठीक है, आई एम हैप्पी। जो कल ही मैं नाग डांस किया था उसको। अच्छा, कौन सा नाग? काला नाग? कृष्ण जी भगवान ने उसके ऊपर फन पे डांस किया था ना। ओहो, जो फन के ऊपर जो डांस किया था, फन था, सबको कर दिया अलग, एक ही बचा थी। अच्छा, तो वो मंदिर है ये। मंडी जी कौन सी जगह है? अच्छा, गोपियों के कपड़े नहीं है, चोरी किए गए। अच्छा, चोरी करके यहाँ रख दिए गए थे। अच्छा, ये यहाँ पे कान्हा जी बैठे हैं और बाकी यहाँ पे ऐसे कपड़े टंगाए रहे हैं, चोरी करके यहाँ पे रखे गए थे। और उस तरफ है घाट जहाँ पे गोपियाँ नहा रही थी, वो वहाँ पे घाट है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, वैसे ही सेम था। तो यहाँ पे इस पेड़ पे जैसे कान्हा जी बैठ रखे हैं, वैसे ही उस पेड़ पे बैठे हुए थे, इसी पेड़ पे। एंड नीचे गोपियाँ नहा रही थी, वहाँ जो कपड़े देख रहे हैं वो यहाँ पे ऐसे लटकाए गए हैं। और ये है यमुना मंदिर, यमुना माता वहाँ पे विराजमान है। हम आ चुके हैं शाहजी मंदिर। ये है शाहजी का मंदिर। मम्मी, शाहजी कौन थे? नहीं आइडिया ना, अपने को आइडिया नहीं है कि ये कौन थे। सो वी आर सॉरी, बट मैं देखती हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा सा एरिया है, स्टार्ट होता है पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ऐसे बन के है। और वहाँ पे जो आपको बंदर दिख रहा है ना, उस बंदर ने एक्चुअली चोरी किया चश्मे की, मुँह में चुपके चुपके ले गया एंड वहाँ पे लेके भाग गया। अब वो किस आंटी का है पता नहीं। सो इस मंदिर में तो हम जा नहीं पाए बिकॉज ये बंद है ऑलरेडी। अभी बच्चे के दोपहर के 2, तो एक्चुअली 1 से 3 बजे 2 घंटे के लिए मंदिर सब बंद रहता है। तो अगर आप कभी आते हो तो दोपहर में मत आना, ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर, बट सब यही बोल रहे हैं कि 2 घंटे के लिए बंद होगा। तो अभी ये मंदिर तो बंद है, बाद में खुलेगा। सो हम लोग जाएंगे अभी कहीं पर लंच करने के लिए वैसे, तो चलो चलते हैं। अभी मम्मी ने एक चीज़ गलती कर दी थी। मम्मी बताओ आपने क्या किया। मम्मी ने ये टोकरी जो है वहाँ पे हम बैठे थे वहीं छोड़ दी। हम वहाँ सब जगह घूम के आ गए बट लाला वहीं बैठे थे। फिर अब जब लौट रहे थे तब मुझे दिखे नहीं, तो मैंने बोला तो वहाँ जाके देखा तो मिल गया। अगर आज लाला खो जाते तो नहीं, लाला मेरे को मत खो। और वहाँ पे है निधिवन, निधिवन जाने का रास्ता है, वहीं पे ही रेस्टोरेंट होती है लेफ्ट तरफ में। सो हम वहाँ पे खाएंगे प्योर वेज, जहाँ पे हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा और इडली। अभी के टाइम पे थाली वगैरह नहीं मिलेगी, 2:30 हो चुका है। तो अभी मैं और मम्मी कुछ खाएंगे। इससे बता देती हूँ, वो जो वहाँ गली जाएगी निधिवन, निधिवन के जस्ट अपोजिट वाला है ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे उसका नाम क्या है, भोजनालय है। यहाँ हमने खाया था बट इट वॉजन वर्थ इट, बस पेट भर गया वही काफ़ी है, वरना इतना अच्छा नहीं लगा। ये बास्केट हमने ले ली लड्डू गोपाल के लिए, इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। 120 बोला था बिग बास्केट का, बस हमने 100 में ले लिया। और अभी हम पहुंच चुके अपने लोकेशन पे जहाँ हम ठहरे हुए हैं। आज यहीं पे इतना ही ब्लॉग करेंगे, कॉज तबियत टूटने लगी है मेरी। मेडिसिन वगैरह खाऊंगी, उसके बाद आई होप कि मैं ठीक हो जाऊं। सर में बहुत हेडेक हो रहा है, बुखार भी लग रहा है, थकान लग रही है कमजोरी जैसी। सो आज शायद हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, आज यही इतना ही कर लिया वही काफ़ी है। मम्मी बोल रही थी कि जाएंगे इस्कॉन वगैरह, वहाँ जाना तो है अपने को, बट आज मेरे में और पेशेंस नहीं है। मेरे को ब्लॉग्स पे एडिट करना है, मेरा सर भी ठीक करना है, वो ठीक नहीं रहेगा तो मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सो आई होप कि आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज एक तो मतलब इतना घूमा फिरी उसके साथ में, बिकॉज
उसके साथ वीडियो की क्लिप्स लेना जहाँ पे इतनी भीड़ हो, तो इतना इजी नहीं है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर है या जो भी करते हैं यूट्यूब पे, उनके लिए इतना इजी नहीं है। सो अप्रिशिएट कर लेना हार्डवर्क को, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।